शहरी निवासी प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने के लिए क्या कर सकते हैं? पंखी देखो घोंसले में छिप जाते हैं, रात को दिन में खुले आकाश आकाश में उड़ते हैं। पंखी कभी नहीं सोचते अरे मैं छोटे से वृक्ष के छोटी सी घोंसले में रह रहा हूँ, मैं कैसे सारे आसमान पर आवाज करूं। नहीं सोचती है ठीक है तुम नगरवासी हो शहरवासी हो शहर में प्रकृति के साथ अपने आप को जुड़ी हुई समझो, आसमान को देखो जमीन को देखो चलो। इतवार के दिन रविवार के दिन शनिवार के दिन छुट्टी होती है उस दिन चलो बाहर चल के देखो क्या कर सकते हो। हर शहर में कहीं ना कहीं पेड़ पौधा तो लगाए जा सकते हैं हम कुछ नहीं तो अरे पॉट लेके आओ मिट्टी के छोटे बड़े पॉट लेके वहीं पर तो उगाना शुरू करो। मैंने देखा एक छोटा सा घर है, एक बेडरूम का फ्लैट है, एक ही कमरा है वहां, एक बेडरूम का छोटा सा फ्लैट है, पूरे घर में पॉटों से भर दिया है और घर की जो सब्जी चाहे वही उग रही है। छोटे से पॉट में कद्दू उगा रहे हैं, करेला उगा रहे हैं, मेथी वही हो रही है और धनिया के पत्ते भिंडी ये सब घर में उगा रहे हैं लोग और छोटी सी प्लेट है एक बेडरूम का प्लेट। भाई जहां मन हो तो वहां वहां दे वहां कर ही सकते हो, रास्ता खुल ही जाएगा। तो करने का मन हो संकल्प हो तुम कर ही सकते हो। नहीं जो पानी पीते हो तो एक ग्लास पानी पीते तो एक आधा ग्लास पानी तो एक पेड़ पर भी तो दे सकते हो। घर में बालकनी तो होती है नहीं होती कोई हर्ज नहीं, घर में रखो कुछ पेड़ों को कुछ पौधों को, इतनी अधिक सूरज की किरण का भी जरूरत नहीं पड़ती, इतना अधिक नहीं जरूरत जो दिन की रोशनी आती है उसी से वो जिंदा रहते हैं उसी से वो पलकते हैं। इसलिए तू निराश नहीं होना हताश नहीं होना, शहर में ही रह रहो फ्लैट में रहो उधर भी तो थोड़ी सी जगह कहीं तो होगा, दो चार पेड़ लाके वहां लगाओ उसका देखभाल करो, बेवश अनुभव नहीं कर। जब हम अपने आप को बेवश अनुभव करते कुछ करने का मन ही नहीं करता फिर लगता रहे हम तो बेचारे जी क्या हो सकते। इस तरह की मनोभावना लेके बैठोगे तो जीवन में प्रगति कैसे कर पाओगे? ये अपना बनाया हुआ है, खुद मन में ऐसा बना लेते हैं ना, इससे निकलना चाहिए सब संभव है। जो इच्छा करियो मनमाही प्रभु प्रताप मनमाही में वो इच्छा तो सुदृढ़ होना चाहिए। देखो प्रभु प्रताप कोई कमी नहीं है, ऐसा है कि नहीं बताओ? आप लोगों के जीवन में कुछ अद्भुत घटनाएं घटी ही नहीं, कितने लोगों के जीवन में घटी? मेरा ख्याल सबके अद्भुत घटना है घटी। इस पथ पर आने और साधक बनने के बाद जीवन बहुत से चमत्कार हुआ है, कितने लोगों के जीवन सबके जीवन जिनके जीवन में नहीं हुआ है तो देख लो सब कवर तुम्हारे विश्वास को दृढ़ीभूत करो।